Hi, this will be the overview of chapter number 6 of Introduction to Electrodynamics by Griffith, and the chapter is Magnetic Fields in Matter. Up till now we have learned about the electrostatic and magnetostatic. Now we will see that how materials behave in the presence of magnetic field. As in the chapter number 4, we have studied that how material behave in the presence of electric field and about the electric polarization and the fields associated with the electric polarization. Now we are going to study the effect of magnetic field on the matter. First of all, we will be briefly revise and the different types of magnets, and there are different type of magnets. You have already studied diamagnetics, paramagnetics and ferromagnetics, and I'm not going to overview these different types of magnets because you already know about it. In this chapter I will just overview topics which are different and new for you. Okay, just read it and it is very easy to understand this paragraph. And secondly, the next topic is torques and forces on magnetic dipoles, and this topic is also very simple, and you have studied in the basic course of electricity and magnetism that how diamagnetic dipoles behave in the presence of magnetic field, or if we put magnetic dipole in the magnetic field, what forces act on them, and how they rotate in the magnetic field and the torque produced in it. Again, this is an easy concept, therefore I'm not going to discuss this. Okay, now Eliba. Now I'm going to discuss another topic, 6.1.3, the effect of a magnetic field atomic orbitals. जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास सबसे बेसिक, अगर आप सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएं तो हमारे पास जो बेसिक चीज़ होती है वो एटम होता है, और एटम के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, सपोज कर लेते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करे अराउंड द न्यूक्लियस, तो आपके पास उसका कोई टाइम पीरियड होगा जिसमें वो अपनी रोटेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपके पास जो टाइम उनको लगता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी रोटेशन एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर कंप्लीट करने के लिए, उसमें आपको उसकी स्पीड पता होनी चाहिए एंड द डिस्टेंस कवर्ड। अब अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट उनके पाथ को कंसिडर करें तो फिर जो उनका डिस्टेंस वो कवर करेंगे वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, अगर r जो है वो रेडियस है उसके बराबर होगा, एंड v जो है अगर स्पीड है, तो टाइम जो होने लगेगा वो आपके पास 2πr डिवाइड बाय v हो जाएगा। ये टाइम मतलब जैसे मैंने कंपेयर किया हुआ है कि ये टाइम इतना कम होता है जितनी देर में आप अपनी आई ब्लिंक करते हैं, उससे भी कम टाइम में ये रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे हमने पढ़ा है पहले कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो आपके पास चार्जेस एट रेस्ट है, और जो मैग्नेटोस्टैटिक है वो आपके पास स्टैडी करंट के लिए है। तो आपके पास स्टेडी करंट वो होता है जो कि कांस्टेंट करंट होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट करंट, उन्हें स्टेशनरी करंट भी कहते हैं, और ये डायरेक्ट करंट की टाइप है
मतलब जो कि जिसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती विद टाइम। तो जब ये जो ऑर्बिटल मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से जो करंट है, उसके चार्ज जब मूव करता है तो करंट होता है, तो उसकी वजह से जो करंट है वो आपके पास स्टडी नहीं होता। और हम सपोज कर लेते हैं कि वो एज अ स्टडी करंट ही है फ्लो कर रहा है, तो करंट जो है वो चार्ज ओवर टाइम इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज है और टी टाइम है, तो आपने टाइम की जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर दें, और माइनस साइन जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। टेक्निकली वो स्टडी नहीं होता, लेकिन वो ऐसे अपीयर हो रहा होता है कि जैसे स्टडी है। तो जो प्रीवियस टॉपिक है उसके अंदर जब आप उसे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बेसिकली आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक और टॉपिक मैंने पिछला छोड़ा था। एक्चुअली जो मैं लास्ट लेक्चर से कुछ टॉपिक स्किप कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं उनके आपको असाइनमेंट दूंगी, तो इसलिए वो मैं स्किप कर रही हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको बता दूँगी। तो बेसिकली जब आप लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में, एम से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई करंट है और ये जो है ये एरिया इंटीग्रल है। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है 5.13, एक बुक शेप आपके पास लूप है, एक साइड की लेंथ जो है वो विड्थ, मतलब विड्थ जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू है, और इसमें से करंट आई जो है वो गुजर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये दो लूप्स की सुपरपोजिशन से बन रहा है, एक लूप जो है उस ये है और एक लूप ये है। तो ये जो नीचे वाला लूप है हॉरिजेंटल लूप है, इसकी अगर आप देखें तो इस एरिया की डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग द जेड एक्सिस है, और ये वाला जो वर्टिकल लूप है इसके एरिया की डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो अगर आप देखें तो जब इसको एक अलग लूप के तौर पे कंसीडर करें और इसको एक अलग लूप की तौर पे कंसीडर करें, मतलब एक अलग लूप का मतलब ये है कि इसकी वजह से जो करंट है वो यूँ है और इसकी वजह से जो करंट है वो यूँ है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जो हॉरिजेंटल लूप की वजह से करंट है वो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा इस वाली साइड पे, और जो आपके पास इस वर्टिकल लूप की वजह से करंट है इस साइड पे वो आपके पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इस ये वाले यहाँ पे जो करंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट करंट जो है ना वो आपके पास ये ही बच जाएगा जो इस फिगर के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस कन्फिग्रेशन को समीशन सुपर पोजिशन ऑफ टू प्लेन स्केयर लूप्स ले सकते हैं। तो इन दोनों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लें, कर्ल ऑफ द फिंगर को आप करंट के डायरेक्शन में रखें एंड जो थम है वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में होगा, और बाकी जो है आपको करंट की वैल्यू चाहिए और एरिया ऑफ दैट लूप जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो आपके पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि वेक्टर है तो जैसे आपको बताया उसकी डायरेक्शन जो है वो किसके अलॉन्ग होगी, आप कर्ल ऑफ द फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखें, थंब की डायरेक्शन में होगी। तो अगर आप देखें तो एक्चुअली वो जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो एरिया की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर्ल ऑफ द फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखूँ तो जो थंब है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो वही एरिया की भी डायरेक्शन है इस प्लेन के लिए। इसी तरह अगर मैं इसको देखूँ तो आपके पास कर्ल ऑफ द फिंगर को अगर आप करंट की डायरेक्शन में रखें तो थंब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वही एरिया की भी डायरेक्शन है। तो इस हॉरिजेंटल स्क्वायर लूप के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो करंट इनटू एरिया, एरिया क्या होगा, ये डब्ल्यू लेंथ है, ये भी डब्ल्यू लेंथ है, तो स्क्वायर है तो आपके पास डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा सेम, और इसकी डायरेक्शन जो है वो किसके अलॉन्ग है, जेड के अलॉन्ग। इसी तरह इसमें से भी करंट आई है, ठीक है, और उसके जो एरिया है वो डब्ल्यू स्केयर है और डायरेक्शन जो है वो वाई हैट के अलॉन्ग है।
तो ये वेक्टर हो गया, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर आप देखें अलग अलग अगर आप करें, ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट ये है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, और उसकी डायरेक्शन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप टैन इनवर्स ऑफ जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और फिर वहाँ से थीटा फाइंड कर लें। तो क्योंकि जेड और वाई के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो वो आपके पास थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री वाला लाइन जो होती है वो कहाँ पे होगी, जो कि जेड और लाइबा जेड और वाई के बराबर हो। ऑब्वियसली 45 डिग्री की जो लाइन होती है उसमें जेड और वाई इक्वल होते हैं। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 5.86, ये जो आपके पास 5.86 है, दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजन। अरे ये जो अगेन वो सारी पीछे थ्योरी से आ गई है, ये तो जब आप ये टॉपिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने ओबियसली इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमने एक्सपेंशन थी नोटेबल एक्सपेंशन वो आपने पढ़ी है तो ये करना आता मुश्किल नहीं है। एम की वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए थी इसलिए मैंने आपको वो एग्जांपल भी करा दी। तो अब इस केस में जब आप एक रिंग में अगर करंट फ्लो कर रहा है, और इस केस में अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो करंट आई है और जो एरिया होगा उस केस में वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर डाइपोल मोमेंट हो गया, और आई की वैल्यू पुट कर दें, और डायरेक्शन जो है वो आप देख लें जैसे मैंने फिगर में शो किया हुआ है, तो उस हिसाब से जो डायरेक्शन है वो थंब की वो जेड एक्सिस के लॉन्ग बनेगी। तो जैसे बाकी डायपोल मोमेंट को, जैसे से पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस किया गया कि जब डायपोल मोमेंट को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है जिसकी वजह से उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा कि जब आप मैग्नेटिक मोमेंट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो आपके पास जो है वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा एम। अब जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसे एम क्रॉस बी कहते हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से ये फार्मूला एन इज इक्वल टू एन जो है वो टॉर्क है इस केस में। तो जब बटा मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं तो वेल आपके पास नॉर्मली जब डायपोल मोमेंट को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो है वो ऐसे वो रोटेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अभी एक सर्कुलर ऑर्बिट है, और अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसको टिल्ट करना थोड़ा हार्डर है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू के वहाँ पे आपके पास स्पिन प्रोड्यूस कर ली जाए, तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू पैरा मैग्नेटिज्म इज स्मॉलर। तो पैरा मैग्नेटिज्म जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स जब आप स्टडी करेंगे उसमें पैरा मैग्नेटिज्म भी है। उसमें ये होता है कि जब आप किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कुछ मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो पैरेलल टू बी होती है, उन्हें हम पैरा मैग्नेट्स कहते हैं, और कुछ में जो है वो ऑपोजिट टू बी होती है, उन्हें हम डाई मैग्नेट कहते हैं। तो फिर एक फेरो मैग्नेट्स होते हैं जिन जो के जिनमें मैग्नेटाइजेशन सस्टेन करती है जब आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव भी कर देते हैं। तो अगर आपने किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ऑब्वियसली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिटल मोशन के उनके अंदर है, तो उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो जो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके पूरे ऑर्बिट को टिल्ट करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जो पैरा मैग्नेटिज्म है, ठीक है, तो पैरा मैग्नेटिज्म क्या है कि आपके पास जो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आपने एक मटेरियल रखा तो उसके अंदर जितने भी डायपोल मोमेंट हैं वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लें। तो जो पैरा मैग्नेटिज्म है तो उसमें आपके पास जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो डायपोल मोमेंट होते हैं
वो उनकी पैरामैग्नेटिज्म के अंदर कंट्रीब्यूशन कम है, मतलब ये कि ज़्यादातर जो स्पिन मोशन की वजह से स्पिन, क्योंकि दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं ना, ऑर्बिटल भी होते हैं और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होते हैं, तो जो आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं उनकी टोटल मैग्नेटाइजेशन की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास, बेसिकली आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या पार्टिकल फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर हम लोग जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक या पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आपके पास जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो आपके पास वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो स्पिन एलिमेंट्री पार्टिकल की स्पिन की वजह से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसकी स्पिन हाफ है, जो फर्मियॉन है। तो आपके पास क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो भी मिलता है। तो इन जनरल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है हम उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द एरिया इनक्लोज बाय द करंट लूप। क्योंकि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉरिस्पॉन्ड करता है रोटेशनल मोशन को, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज कैरियर्स, जो कि किसी भी करंट के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डायपोल्स जो हैं उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो ना सिर्फ क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से होते हैं बल्कि उनकी स्पिन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से भी होते हैं। स्पिन जो होती है वो आपके पास नॉन क्लासिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल की। तो क्लासिकली अगर हम देखें तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो मटेरियल का होता है वो आपके पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का अबाउट द रोटेशन एक्सिस। ठीक है, तो अल आपके पास इसकी वजह से जो है वो आपके पास एक और इफेक्ट, जब आप इस तरह के मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ऑर्बिटल मोशन पे जो इफेक्ट होता है वो ये होता है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन्स या तो स्पीडअप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ बी। और जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो आपके पास जब एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है उसकी एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है, अगर उसका रेडियस आर है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होगी। तो वो जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से होती है। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का मास एम ई लिख रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में ई लिख रहे हैं ताकि आप एम को जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कन्फ्यूज़ मत करें यहाँ पे। तो कि ये जब पार्टिकल जब सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी जो कूलम जो है ना फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है वो आपके पास इसके बराबर होती है, और उस कूलम फोर्स की वजह से उसके अंदर जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब ऑब्वियसली मोशन होती है। ठीक है, तो आपके पास ये कूलम फोर्स है और ये आपके पास सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड कहें तो नॉर्मली है ही ना, लेकिन अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो एक एडिशनल फोर्स भी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही होगी, ओबियसली वो इसके बराबर हो गए। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज, आप सपोज कर लें कि जो आपके पास बी है वो प्लेन ऑफ ऑर्बिट के परपेंडिकुलर है, जैसे आपको फिगर 6.10 के अंदर शो किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास दो फोर्सेस हैं, वैसे नॉर्मली एक फोर्स होती है, तब एक और फोर्स भी होगी मैग्नेटिक फोर्स। तो अब जो स्पीड है वो इसलिए वो चेंज हो जाएगी, तो आप पहले अगर आप वी स्पीड ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो स्पीड है उसको उन्होंने वी बार कह दिया,
अगर इस कंडीशन को आप देखें तो, क्योंकि एक और फोर्स भी है, फोर्स इंक्रीज़ कर दिया है, तो ऑब्वियसली स्पीड को इंक्रीज़ कर जाना चाहिए टेक्निकली। तो न्यू स्पीड जो है वो ग्रेटर है देन ओल्डर स्पीड। तो यहाँ से आपने इस वाली टर्म को उठा के इधर ले गए एंड देन कुछ रीअरेंज किया, और आपके पास जो है वो, अच्छा यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे आप ये पुट कर दें, ठीक है, इसकी जगह, क्योंकि ये टर्म तो वैसे ही है। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई। अब ये जो चेंज आया स्पीड में, इसकी जगह डेल्टा वी लिख दिया। तो आपके पास रीअरेंज करके सपोज कर लें अगर आप, कि जो चेंज है स्पीड में वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसा होगा कि जब आप चेंज को काफ़ी स्मॉल सपोज करेंगे तो वी को आप कह देंगे अप्रॉक्सीमेटली वी बार के बराबर है। तो एक तो वहाँ से आपके पास 1 मिल, आप यहाँ से जब यहाँ से आप उसे यहाँ लेके आएंगे, पहली बात तो ये कि आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप आर को उधर ले जाएं, ई आर बी ऊपर आ गया और ऊपर वी बार पे आ गया, और नीचे एम ई और नीचे वी बार प्लस वी। तो आप जो है वो कह लें कि वी बार जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वी के बराबर है, तो इस वी बार प्लस वी को आप 2 वी बार से रिप्लेस कर दें। तो वी बार कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये आ जाएगा आंसर। तो जो ही आपने इसका मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो बढ़ गई। हमने पहले देखा ये था कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कोई काम नहीं करती, तो उसको तो स्पीड अप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काम नहीं करती। तो जब वो काम नहीं कर रही तो फिर उसको तो स्पीड अप नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इसका जो रीज़न है वो इस वजह से है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ओबियसली जब आपने उसे ऑन किया तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है, बल्कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से। तो चेंज होती है ऑर्बिटल स्पीड में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वी चेंज हो रहा है तो जैसे यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट वी पे डिपेंड कर रहा है, तो इट्स मीन कि मैग्नेटिक मोमेंट भी, डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो रहा है। इक्वेशन 6.4 में आपके पास जो चेंज है वो जब डेल्टा एम करेंगे तो वो डेल्टा वी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। तो इसमें आप डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दें। अगर आप यहाँ पे देखें कि जो आपके पास चेंज आ रहा है एम में, वो ऑपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ वी, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह के डायरेक्शन में सर्कल करेंगे, वुड हैव अ डाइपोल मोमेंट पॉइंटिंग अपवर्ड बट सच एन ऑर्बिट वुड बी स्लो डाउन बाई द फील्ड, सो द चेंज इज स्टिल ऑपोजिट टू वी। तो मतलब जो चेंज है इन द एम वो आपके पास बी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ठीक है, मतलब चेंज की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इसका एक्सप्लेन उन्होंने कैसे किया हुआ है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था कि उसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो अब जब आपके पास अगर ऑर्बिट स्लो डाउन होता है बाय द फील्ड, तो आपके पास जो चेंज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अगर वो स्लो डाउन हो रहा है तो इट्स मीन कि उसका जो चेंज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर वो स्पीड अप हो रहा होता तो उसी डायरेक्शन में होता अपवर्ड, लेकिन अब वो स्लो डाउन हो रहा है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब है इसका चेंज। तो बी अपवर्ड लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो अंदर जो चेंज आ रहा है वो डाउनवर्ड, उसको डिक्रीज होना चाहिए ताकि उसका चेंज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नॉर्मली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडमली ऑर्बिट के अंदर ओरिएंटेड होते हैं, और आपके पास ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं,
लेकिन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हर एटम होता है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, और जो चेंजेस हैं जैसे हमने देखा है जो चेंज इन डायपोल मोमेंट है वो ऑपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब एंटी पैरेलल होता है। तो ये जो हमने हमारा डायमैग्नेटिज्म देखा है ना, कि डायमैग्नेटिज्म क्या होता है कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अलाइन कर लेते, एक अलाइन हो जाते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डायमैग्नेटिज्म, इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना अफेक्टिंग ऑल एटम्स, डायमैग्नेटिज्म सब मटेरियल्स के अंदर होता है, लेकिन ये टिपिकली बहुत वीकर होता है देन पैरामैग्नेटिज्म। तो और ये मोस्टली उन मटेरियल के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास जो होते हैं ना ऑपोजिटली स्पिन्स पेयर अप हुई होती हैं इस तरीके से कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेती हैं, और उसमें पैरामैग्नेटिज्म एबसेंट होती है। पैरामैग्नेटिज्म यूजली ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम्स के अंदर हों उसके अंदर होती है। तो 6.8 को ड्राइव करते हुए जो है ना आपके पास ऑर्बिट आपने सर्कुलर ही लिया और उसका रेडियस आर लिया, आई कैन नॉट ऑफर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस एट द प्रेजेंट स्टेज, इफ द एटम स्टेशनरी वेल द फील्ड इज टर्न ऑन देन माई अजम्पशन कैन बी प्रूव दैट इज नॉट मैग्नेटोस्टैटिक, हाउएवर एंड द डिटेल विल हैव टू वेट फॉर द चैप्टर 5। ओके हाई बटे भाई, ये जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने किए ना कहेगी चैप्टर 7 के लिए, सॉरी आप उसको लेफ्ट कर दें, उसके लिए हम इसमें स्टडी करेंगे। बाकी अगर एटम मूव कर रहा हो इन द फील्ड तो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू गिव यू अ क्वालिटेटिव अकाउंट, मतलब अभी तक जो था ना बेसिकली वो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाह रहे थे डायमैग्नेटिज्म का। और अगर आप प्रेफर ये करें कि वेलोसिटी सेम रहती है लेकिन रेडियस चेंज होता है, तो इक्वेशन 6.8 जो है जिसमें हमने वेलोसिटी को चेंज किया था ना, तो इसमें अगर आप रेडियस को चेंज करेंगे तो आपके पास बाय फैक्टर ऑफ 2, लेकिन क्वालिटेटिव डिस्कशन अनइफेक्टिव, जो क्वालिटी है वो वही बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो उनके अंदर जो चेंज है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ट्रूथ ये है कि जो हमारा क्लासिकल मॉडल है उसके अंदर फ्लॉज हैं, क्वांटम मैकेनिक जो है वो एक डायमैग्नेटिज्म जो है वो एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई यहाँ पे मकसद नहीं है, ना रेफरेंस दिया हुआ है इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन मैग्नेटिक मटीरियल इंड्यूस डायपोल मोमेंट पॉइंट ओपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके हम अभी तक ये चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं या हमें ऑलमोस्ट चीज़ों का पता था, अब हम मैग्नेटाइजेशन की तरफ आते हैं। जिस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मटेरियल को रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर जो है वो पोलराइजेशन होती है। इस तरह से जब आप मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसके अंदर मैग्नेटिक पोलराइजेशन पैरामैग्नेटिक है जिसमें आपके पास स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर टॉर्क लगता है और वो लाइन अप हो जाते हैं पैरेलल टू द फील्ड। एंड डायमैग्नेटिज्म है कि उसमें आपके पास ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज होती है, ठीक है, कि इस तरीके से कि जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है ना डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड जो है वो पॉइंट करते हैं। तो आपके पास मैग्नेटिक पोलराइजेशन जो है कैपिटल एम वो डिफाइन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैपिटल पी पोलराइजेशन की तरह का ही है। तो मैग्नेटाइजेशन कौन सी है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, शायद फेरोमैग्नेटिज्म, तो हम उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे कि वो किस तरीके से हुई। हमने अब सिर्फ देखना है कि जो फील्ड प्रोड्यूस होती है इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से वो क्या है। तो जो हमारे पास मटेरियल्स हैं जैसे फेरोमैग्नेटिक ट्रियो जो है आयरन निकल एंड कोबाल्ट, ये फेमस आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली आप पीस ऑफ वुड एल्यूमिनियम
को तो अगर आप मैग्नेट के साथ रखेंगे तो उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरा मैग्नेटिज्म और डायो मैग्नेटिज्म है वो काफ़ी वीक होता है, उसके लिए बड़े डेलिकेट एक्सपेरिमेंट चाहिए होते हैं, पावरफुल मैग्नेट चाहिए होते हैं अगर आप उन्हें डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप पीस ऑफ सोलेनाइट को सस्पेंड, पीस ऑफ पैरा मैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड करना चाहें अबव द सोलेनाइट, जैसे आप जो पीछे वाला आर्टिकल पढ़ेंगे फिगर 6.3 के अंदर इन्होंने शो किया हुआ है, ये वैसे आपके पास बेसिक लेंस लॉ से भी आपको पता है कि जब आपके पास एक लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और उसके अंदर EMF इंड्यूस होता है, तो इंड्यूस EMF इस तरह की डायरेक्शन में होता है कि वो चेंज को फोर्स करता है। तो ये जो अगर आप रिंग को, जंपिंग रिंग जो बड़ी फेमस प्रॉब्लम है कि रिंग को अगर आप एक सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड के पास लेके आए तो उस रिंग गिराएं अगर उसके ऊपर आप, तो रिंग ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, जिसकी वजह से उसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से एक दूसरे को, और चेंज ये अपोज करने का ये मतलब है कि वो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, इस तरीके से होगी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है तो यहाँ पे भी रिंग का जो फेस इस सोलेनॉइड को फेस कर रहा होगा उधर भी नॉर्थ पोल होना चाहिए, करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हो ताकि जो है ये एक दूसरे को रिपेल करें क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है, और अगर ये इससे दूर जा रहा होगा तो ये यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा ताकि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये जंपिंग रिंग है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास इन्होंने उसी का रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर आप पैरा मैग्नेटिक मटेरियल को तो सोलेनॉइड सस्पेंड करें जैसे फिगर 6.3 है, तो उसके अंदर जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगी वो अपवर्ड होगी और फोर्स जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड लगेगी, और अगर आपके पास डायमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटाइजेशन होगी। आप एक पैरामैग्नेटिक को लेके जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन के अंदर उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी पैरामैग्नेट की, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। और अगर आपके पास डायमैग्नेटिक हो तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी एक्सटर्नल फील्ड के, और वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो देखें आपके पास अगर सेम डायरेक्शन में हो, देखें अगर आपके पास एक रिंग है सपोज और एक दूसरा रिंग है, आप रिंग के एग्जांपल ले लें, रिंग के अंदर जो है वो करंट है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपर डायरेक्शन में, एक और रिंग लेके आते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपर डायरेक्शन में, तो ये जो नीचे वाला रिंग है इसका जो अपवर्ड फेस जो कि ऊपर वाले रिंग को फेस कर रहा है तो दोनों ऑब्वियसली ऑपोजिट होंगे, मतलब नीचे वाले रिंग का फेस अगर ऊपर वाला नॉर्थ है तो ऊपर वाले रिंग का नीचे वाला साउथ होगा, तो वही दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मतलब फोर्स उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में सॉरी अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट है पोल्स हैं, तो फोर्स उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और डायमैग्नेटिक में अपवर्ड में लगेगी। तो इन जनरल जब आप कोई भी सैंपल प्लेस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जो पैरामैग्नेट होता है वो टुवर्ड द फील्ड अट्रैक्ट होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी डायमैग्नेटिक जो है वो रिपेल होता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बट द एक्चुअल फोर्स ऑफ ब्यूटीफुल वीक इन अ टिपिकल, वो इसी की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल फोर्स काफ़ी वीक होती है और उसके लिए बड़ी अच्छी सी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करनी पड़ती है, जबकि आयरन के बारे में अगर आप बात करें जो कि फेरोमैग्नेटिक है उसके अंदर जो फोर्स होती है वो तकरीबन 10^4 या 10^5 टाइम ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा रीजनेबल है कि हम फोर्स जो फील्ड है वो इनसाइड द कॉपर वायर कंसिडर करें, और जैसे चैप्टर 5 में किया था विदाउट वरिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अच्छा यहाँ पे इन्होंने 1996 का एक सेंफेंस दिया हुआ है कि एंड्री जेम इन 1997 मैनेज टू एलिवेटेट हर लाइव रॉक डायमैग्नेटिक, ठीक है, उसको फॉर 30 मिनट्स ही वाज अवार्डेड
2008 नोबेल प्राइज़ फॉर दिस अचीवमेंट एंड लेटर रहते नोबेल प्राइज़ फॉर रिसर्च ऑन ग्रेफीन। ओके विदाउट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके अब हमारे पास है फील्ड ऑफ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। तो आपके पास अब नेक्स्ट आ गया है कि अगर आपके पास फील्ड जो होती है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की वजह से वो क्या होती है, मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट की वजह से। तो अगर आपके पास मैग्नेटाइज मटेरियल है तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कैपिटल एम है, तो क्या फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली हम यही करना चाह रहे हैं। तो आपके पास जो वेक्टर पोटेंशियल है उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और वेक्टर पोटेंशियल की इक्वेशन उसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली जब आप मल्टीपल एक्सपेंशन करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था वेक्टर पोटेंशियल का। जब आप मल्टीपल एक्सपेंशन वाला टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर आपके पास एक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जो आपके पास वेक्टर पोटेंशियल है उसका फार्मूला ही है, ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई m क्रॉस r हैट r स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिलेशन है। तो मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के अंदर आप सिंपल वही वाले स्टेप्स करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाले में करे थे। मैग्नेटाइजेशन जो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटाइजेशन होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन इंटू वॉल्यूम। और फिर हमारे पास हमने जैसे इलेक्ट्रिक केस में किया था आर हेड ओवर आर स्केयर को इस से रिप्लेस, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वन ओवर आर जो है वो आर हेड ओवर आर स्केयर के बराबर है, क्योंकि ये प्राइम कोऑर्डिनेट्स में है, तो इसलिए हम इसे भी प्राइम कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं। और हमारे पास उसको पुट कर लिया एंड देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूजिंग प्रोडक्ट रूल 7। आप इसे प्रोडक्ट रूल 7 देख के इसको ओपन कर लें एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लें, देन फिर आपके पास, अभी मैंने रेफरेंस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली मैं जस्ट ओवर व्यू कर रही हूँ, आप लोग जो है वो इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से आ रहा है। तो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, बस इस एक्सप्रेशन को लाना है एंड देन फिर आपके पास इस एक्सप्रेशन में जो दो टर्म्स हैं ये कर्ल ऑफ एम एंड एम क्रॉस डी ए या एन हैट कह सकते हैं हम इसे। तो ये आपके पास वॉल्यूम करंट है और ये आपके पास सरफेस करंट है। तो इट्स मीन कि आपके पास पोटेंशियल ऑफ अ मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट वो होगा जो आपके पास वॉल्यूम करंट जो कि थ्रू आउट द मटेरियल है या सरफेस करंट ऑन द बाउंड्री है उसकी वजह से। तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग अवर द ऑल इन्फिनिटेसिमल डाइपोल्स यूजिंग इक्वेशन 6.11 दिस वन, तो बाउंड करंट कर लें एंड देन फाइंड द फील्ड दे प्रोड्यूस इन द सेम वे, कैलकुलेट द फील्ड ऑफ एनी अदर वॉल्यूम एंड द सरफेस करंट की वजह से, जैसे हम करते हैं फील इसी तरह इनकी वजह से। तो ये बिल्कुल पैरेलल है विद द इलेक्ट्रिकल केस, वहाँ पे आपके पास फील्ड पोलराइज ऑब्जेक्ट की वजह से सेम होती थी जो बाउंड वॉल्यूम चार्ज और प्लस अबाउंड सरफेस चार्ज की वजह से थे। अब एग्जाम्पल 6.1 के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड यूनिफॉर्मली पोलराइज मैग्नेटाइज स्फीयर। तो अगर मैग्नेटाइजेशन अलोंग द जेड एक्सेस है तो आपके पास कर्ल ऑफ एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन जेड एक्सेस के अलोंग है, और आपके पास कर्ल ऑफ एम जो है वो जीरो होगा, आप करके देख लें। और आपके पास एम क्रॉस एन हैट, एन हैट कोई भी डायरेक्शन हो सकती है किसी भी एरिया एलिमेंट की, जैसे ये लिया हुआ एरिया एलिमेंट तो एन हैट उसकी डायरेक्शन है। तो आपके पास एम क्रॉस एन हैट जो है ओबियसली वो एम साइन ऑफ थीटा, और एन जो है वो अगर रेडियल डायरेक्शन है एम जेड डायरेक्शन है तो जेड क्रॉस आर हैट जो है वो साई हैट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो यह बस इसको यूज़ करके आपके पास यहाँ से के बी एन जे बी आ गया। नाउ रोटेटिंग स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस एन से में करस्पॉन्ड हुआ सरफेस करंट डेंसिटी। तो अगर आपका शेल रोटेट कर रहा है और
उसके ऊपर सरफेस आर डेंसिटी सिग्मा है, तो करिस्पॉन्डिंग अ सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस चार्ज है सॉरी, तो उसके जो है उसके अंदर एक सरफेस करंट डेंसिटी होगी के इज इक्वल टू सिग्मा वी, एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास आर ओमेगा सिंपल नहीं, तो बेसिकली ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो ओमेगा की डायरेक्शन अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग है ये आर है, तो ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा, और अगेन साई हेड की डायरेक्शन होगी, तो इट्स फॉलो देयर फोर दैट द फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज स्फीयर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ स्पिनिंग स्फेरिकल शेल। तो ये जो है स्पिनिंग स्फेरिकल शेल की वजह से है, और ये जो है ना आपने एक सिंपल पोलराइज स्फीयर की वजह से की थी, तो आपके पास जो फील्ड है यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज स्फीयर की वो आइडेंटिकल है टू द स्पिनिंग स्फेरिकल शेल। बस इसमें डिफरेंस ये यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एम लिखा हुआ है ये तो भी, और यहाँ पे सिग्मा ओमेगा आर है, और अगर आप रेफर करें विद द बैक एग्जांपल, बेसिकली इन्होंने जो फील्ड फाइंड करने के लिए ना ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर आप स्पिनिंग स्फेरिकल शेल की वजह से जो सरफेस करंट है और जो आपके पास मैग्नेटाइज स्फेयर की वजह से एक सरफेस करंट है वो उसकी फॉर्म एक जैसी बन रही है, बस यहाँ पे एम है और यहाँ पे सिग्मा ओमेगा आर है, तो आपके पास एग्जांपल 5.1 में जिसमें से स्पिनिंग स्फेरिकल शेल था आपके पास, उसमें जो बी की वैल्यू थी वो ये आई थी इनसाइड द स्फेयर, और वायर जो है ना वो थी जो परफेक्ट डाइपोल मोमेंट की वजह से थी। तो इनसाइड जो है इंटरनल फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली पोलराइज स्फेयर जो होती है, एंड ऑल्दो द एक्चुअल फार्मूला फॉर द टूज आर क्यूरियसली डिफरेंट, 2/3 इन प्लेस ऑफ -1/3, वहाँ पे आपके पास -1/3 है, यहाँ पे 2/3 है। एक्सटर्नल फील्ड इज ऑल्सो एन आउटलेस प्योर, उस केस में प्योर आपके पास डायपोल था उसकी फील्ड आई थी, इस केस में भी आपके पास एक्सटर्नल फील्ड जो है वो प्योर डायपोल की आया है। इट इज़ नो एक्सीडेंट दैट द सेम फैक्टर अपीयर इन द कॉन्टैक्ट टर्म फॉर द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डायपोल्स, इक्वेशन 3.106 एंड 5.94। वन गुड वे टू मोर परफेक्ट वे टू टेक द लिमिट ऑफ अ पोलराइज मैग्नेटाइज स्फीयर। आई मीन अब आपके पास ये प्रॉब्लम्स हैं ये आपने करने हैं, एंड द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाउंड चार्ज, दैट्स द एक्सिलरी फील्ड, और हमारे पास फिर एंड देन लीनियर एंड नॉन लीनियर डाई मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिज्म एंड दिस साइड, ओके दिस आर वेरी डिफिकल्ट वन, ओके आई थिंक इसमें अब कुछ इतनी डिफरेंट चीज़ नहीं है जो कि डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसमें बेसिकली अगर आपका फिफ्थ चैप्टर आप कर लेते हैं तो उससे रिलेट कर करके ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, सिंपल मैथ है। तो ओके नाउ आई एम डन, और मैं बस कोई असाइनमेंट दूंगी आपको इस टॉपिक्स में से।